हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टिल लर्निंग। तो आज हम बात करने वाले हैं अक्टूबर के जो सेकंड पार्ट है उसकी, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं करंट अफेयर का, और उसका सेकंड पार्ट बचा हुआ था वो मैं आज अपलोड करने वाला हूं। उसके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उसमें आ सकते हैं, तो वो मैंने स्टार्ट बना लिया काफ़ी सारे क्वेश्चन, उसको स्टार्ट करेंगे आज हम। तो उससे पहले आपको बता दो, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा वो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और एग्जाम में पूछ सकते हैं, क्योंकि रेलवे में आपको पता है काफ़ी सारी करंट अफेयर पूछी जाती है। तो जितने क्वेश्चन आपसे कवर हो सकते हैं उतने ज़्यादा से कवर कर लीजिए। आपको करंट अफेयर चाहिए जनवरी से लेकर अक्टूबर तक की, या फिर जो मैं अभी डालने वाला हूँ उसकी PDF चाहिए आपको, तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं stillearning.in पर। वहाँ पर जाएंगे तो आपको वहाँ पर उसकी PDF मिल जाएगी, उसकी वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे करंट अफेयर के, और आपको अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट GK की लिस्ट चाहिए RRB NTPC के लिए तो वो भी आपको मिल जाएगी। तो ये दोस्तों ऐसा नहीं है कि एग्जाम स्पेशली RRB NTPC के लिए ही है, जो क्वेश्चन डाल रहा हूँ करंट अफेयर के या फिर और जो GK क्वेश्चन है बाकी के भी आपको हमें मिल जाएंगे, जैसे कि MTS हो गया या फिर CGL हो गया या फिर CHSL हो गया, तो जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं वहाँ पर मिल जाएंगे आपको। PDF आपको चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करिए stillearning.in, अदरवाइज आप हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ टेलीग्राम ग्रुप का, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर ज्वाइन करने से क्या होगा, उसको जैसे आप ज्वाइन कर लेंगे तो मैं जितनी भी वीडियो डालता हूँ उसकी वहाँ पर PDF शेयर कर देता हूँ, तो उसकी PDF आपको वहाँ पर मिल जाती है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट करते हुए। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है न्यू डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, जो हरियाणा के न्यू डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने हैं वो कौन बने हैं, वो बने हैं दुष्यंत चौटाला। कौन बने हैं, दुष्यंत चौटाला बने हैं, जो कि 27 अक्टूबर 2019 को बने हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये, और ये क्योंकि आपको याद पता होना चाहिए दुष्यंत चौटाला कौन बने हैं, चीफ मिनिस्टर बने हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने हैं, कहाँ के, हरियाणा के, 27 अक्टूबर 2019 को। नेक्स्ट है वैन सेलिब्रेट वर्ल्ड फूड डे, जो वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है, 16 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड फूड डे। नेक्स्ट है वीर स्मृति ईरानी इज इनग्रेट लार्जेस्ट चरखा मेड बाय वेस्ट प्लास्टिक, तो स्मृति ईरानी जी के द्वारा इनग्रेट किया गया है क्या चीज़, लार्जेस्ट चरखा, सबसे बड़ा चरखा है वो जो कि जो वेस्ट प्लास्टिक होती है, गार्बेज प्लास्टिक्स जो होती है उससे बनाया गया है। वो कहाँ पर इनग्रेट किया गया है, किस जगह है, वो है नोएडा में। कहाँ पर, नोएडा में है, सबसे बड़ा चरखा है जो कि बेकार जो प्लास्टिक होती है वेस्ट उससे बनाया गया है। नेक्स्ट है न्यू चेयरमैन ऑफ BCCI, जो BCCI है उसके नए चेयरमैन कौन नियुक्त किए गए हैं, वो किए गए हैं सौरभ गांगुली। कौन नियुक्त किए गए हैं, सौरभ गांगुली नियुक्त किए गए हैं न्यू चेयरमैन ऑफ BCCI। फुल फॉर्म ऑफ BCCI की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, इसकी फुल फॉर्म होती है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। क्या होती है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। नेक्स्ट है विच कंट्री होस्टेड द 18th मिड टर्म्स मीटिंग फॉर नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, तो ये जो कंट्री है जो होस्ट कर रही है 18th मिड टर्म्स मीटिंग ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, तो ये कौन सी कंट्री है, ये है अजरबैजान। कौन है, अजरबैजान कंट्री है जो कि 18th मिड टर्म मीटिंग ऑफ नॉन अलाइनमेंट होस्ट कर रही है। तो इससे जो पहले हुआ था 17th वो कहाँ पर हुआ था, वो हुआ था 17th इन हेल्ड वेनेजुएला इन 2016। तो इससे पहले 2016 में हुआ था जो कि 17th था, और कहाँ पर हुआ था, वेनेजुएला में हुआ था। नेक्स्ट है लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर, तो जो जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं अभी रिसेंटली वो कौन बने हैं, वो बने हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन बने हैं, गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि 31 अक्टूबर 2019 को बने हैं। कब बने, 31 अक्टूबर 2019 को बने हैं गिरीश चंद्र मुर्मू लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर। न्यू MD बने हैं पंजाब नेशनल बैंक के, वो कौन है, वो है SS मल्लिकार्जुन राव। कौन है, SS मल्लिकार्जुन राव, जो कि MD बने हैं पंजाब नेशनल बैंक के। नेक्स्ट है वेयर हेल्ड गांधी फिल्म फेस्टिवल, तो जो गांधी फिल्म फेस्टिवल होस्ट किया गया अभी वो कहाँ पर किया गया, वो कहाँ पर किया गया, मुंबई में किया गया था। कहाँ पर, मुंबई में किया गया था। नेक्स्ट है वैन सेलिब्रेट वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे, तो जो ये वर्ल्ड सांख्यिकी डे मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, वो मनाया था 20 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है, 20 अक्टूबर को मनाता है वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे, जिसे कि वर्ल्ड सांख्यिकी डे बोलते हैं। नेक्स्ट है करंट गवर्नर ऑफ गोवा, तो जो गोवा के भी गवर्नर हैं वो भी चेंज हो गए हैं, वो कौन है, तो वो है सत्यपाल मलिक, जो कि 25 अक्टूबर 2019 को बने हैं। कब बने हैं, 25 अक्टूबर 2019 को बने सत्यपाल मलिक, गोवा के गवर्नर। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द रैंक इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स, तो जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अकॉर्डिंग इंडिया की रैंक है वो कितनी आई है, तो वो रैंक है 102। कितनी रैंक है, 102 है दोस्तों, इंडिया की रैंक 102 है ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है वैन सेलिब्रेट
नेशनल यूनिटी डे, तो नेशनल यूनिटी डे कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को मनाया जाता है नेशनल यूनिटी डे, एकता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, वेन वाज बोर्न सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म कब हुआ था? वो 31 अक्टूबर 1875 में हुआ था। कब हुआ था? 31 अक्टूबर 1875 में हुआ था, और इन्हीं की याद में नेशनल यूनिटी डे मनाया जाता है हर साल। और इनके बर्थ जो थी, ये मनाया गया था 144वीं बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई थी इनकी 2019 में। कौन सी मनाई गई थी? 144वीं बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई थी 2019 में, आपको पता होना चाहिए। तो 31 अक्टूबर को हुआ था इनका जन्म, 31 अक्टूबर 1875 में, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट, गवर्नर ऑफ मिजोरम, तो मिजोरम के गवर्नर चेंज हो गए हैं, वो कौन बन गए हैं? वो बन गए हैं पीएस श्रीधरन पिल्लई। कौन बन गए? पीएस श्रीधरन पिल्लई, जो 25 अक्टूबर 2019 को अपडेट हो गए हैं, नए बन गए हैं पीएस श्रीधरन पिल्लई 25 अक्टूबर 2019 को। नेक्स्ट है, हु विन SAFF Under-15 वुमेन चैम्पियनशिप, तो जो SAFF है उसकी जो वुमेन चैम्पियनशिप जीती है, 15 वुमेन चैम्पियनशिप जीती है, वो किसने जीती है? वो जीती है इंडिया ने। किसने जीती है? इंडिया ने जीती है। इंडियन वो, तो इसको ये इंडिया ने किसको हरा कर जीती है? तो इंडिया ने बांग्लादेश को हरा कर ट्रॉफी जीती है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है सैफ की? तो फुल फॉर्म ऑफ SAFF, इसकी फुल फॉर्म होती है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। क्या होती है? साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, जिसमें इंडिया जीत गया है बांग्लादेश को हराकर। नेक्स्ट है, व्हाट इज स्टैचू ऑफ यूनिटी, तो जो ये स्टैचू ऑफ यूनिटी है वो क्या है? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी क्या है? स्टैचू ऑफ यूनिटी इज ए ट्रिब्यूट टू द इंडियन लीडर सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये क्या एक श्रद्धांजलि है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, स्टैचू ऑफ यूनिटी, क्योंकि वो एकता दिवस मनाया था उनकी याद में, तो उनके लिए क्या बनाया गया था? एक स्टैचू बनाया गया है स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल की बहुत बड़ी मूर्ति बनाई गई है। तो ये उनके लिए फेमस है, उनके ट्रिब्यूट के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया, तो इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है, जो अभी अभी नए बने हैं द्वारा से? तो प्रेसिडेंट कौन है? जोको विडोडो। कौन है? जोको विडोडो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया। नेक्स्ट है, विच स्टेट लॉन्च मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना, तो कौन सी ऐसी स्टेट है जिसने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना स्टार्ट की है? तो यह है उत्तर प्रदेश। कौन सी? उत्तर प्रदेश, जिन्होंने एक योजना स्टार्ट की है, इसमें मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना है। नेक्स्ट है, न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं? ये बने सुखवीर सिंह सांधू। कौन बने हैं? सुखवीर सिंह सांधू बने हैं नेशनल चेयरमैन हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सॉरी चेयरमैन ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, इंडियाज फर्स्ट गार्बेज कैफ इनग्रेटेड इन, तो जो इंडिया का सबसे पहला गार्बेज कैफ इनग्रेट किया गया है वो कहाँ पर किया गया है? वो किया गया अंबिकापुर में। कहाँ पर किया गया? अंबिकापुर में, जो कि छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पर किया गया? अंबिकापुर में, जो कि छत्तीसगढ़ में है, फर्स्ट गार्बेज कैफ। नेक्स्ट, रिचेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, सबसे रिचेस्ट सिटी इन वर्ल्ड में कौन है? अभी ये रिसेंट किया गया है, तो ये मतलब सबसे रिचेस्ट सिटी कौन सी है? तो वो है न्यूयॉर्क। कौन सी है? न्यूयॉर्क सिटी सबसे रिचेस्ट सिटी। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ मुंबई इन रिचेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड 2019, तो 2019 में जो अभी निकल गया, ये निकल के आया है, तो इसमें मतलब सबसे टॉप पे तो न्यूयॉर्क है, तो सबसे रिचेस्ट सिटी मानी जाती है। और इंडिया की बात करें तो टॉप 20 के अंदर मुंबई का नाम है। मुंबई 12वें नंबर पर है। किसमें नंबर पर? 12th नंबर पर है मुंबई। मुंबई इज़ द ओनली इंडियन सिटी इन द वर्ल्ड टॉप 20 रिचेस्ट लिस्ट, तो जो टॉप 20 रिचेस्ट लिस्ट है, रिचेस्ट सिटी की लिस्ट है, तो उसमें सिर्फ मुंबई का नाम है जो कि 12वें नंबर पर है। नेक्स्ट है, इंडियाज नंबर वन स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस, तो जो सबसे पहला आइकॉनिक प्लेस है वो कौन सा है? वो है वैष्णो देवी। कौन सा है? वैष्णो देवी है फर्स्ट स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस, वैष्णो देवी श्राइन, जो वैष्णो देवी टेम्पल है। नेक्स्ट है, हु हैज़ बिन अपॉइंट एज डायरेक्टर जनरल ऑफ NSG, तो जो नेशनल हाईवे सिक्योरिटी गार्ड है उसके डायरेक्टर जनरल किसको बनाया गया है? वो बनाया गया है अनूप कुमार सिंह को। किसको बनाया गया है? अनूप कुमार सिंह को बनाया गया है। तो दोस्तों, यही क्वेश्चन थे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। PDF आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर क्लिक करके आप हमारी साइट पर विजिट कर सकते हैं studylearning.in पर, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आपको पहले की PDF चाहिए तो वो भी आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएंगी, करंट अफेयर की। और जैसे कि आप सब जानते हैं, मैं स्टैटिक जी के एक सीरीज स्टार्ट की है, तो एक एक करके मैं वीडियो डालूँ, जितने भी स्टैटिक जी की इतनी ज़्यादा कवर हो सकेगी वो मैं ट्राई करूँगा डाल दूंगा।
दोस्तों देखते रहिए, सीखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।